दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मोहब्बतें फिल्म के स्टार कास्ट को इस फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस मिली थी और साथ ही जानेंगे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन में से किसे ज्यादा फीस मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों फीस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में भी जान लेते हैं। मोहब्बतें सन 2000 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, शमिता शेट्टी, प्रीति जंगियानी, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, किम शर्मा और अमरीश पुरी नजर आए थे। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे और इस फिल्म को यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट यश राज फिल्म्स वालों ने किया था। इस फिल्म को कुल 315 स्क्रीन्स के साथ 27 अक्टूबर सन 2000 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 19 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 42 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1,19,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 7,62,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 90 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2000 की नंबर 1 ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक जतिन ललित ने दिए थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे और एवरग्रीन बनके रह गए हैं। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम सन 2000 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली साउंडट्रैक एल्बम रही थी। इस फिल्म की म्यूजिक राइट्स को 7.5 करोड़ में बेचा गया था और ये उस समय का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो दोस्तों ये हैं उन सभी गानों के नाम। पहला हमको हमी से चुरा लो, दूसरा चलते चलते, तीसरा पैरों में बंधन है, चौथा आंखें खुली, पांचवा सोनी सोनी और छठवा जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। दोस्तों मुझे तो इस फिल्म के सभी गाने अच्छे लगते हैं और मेरे फेवरेट भी है। वैसे दोस्तों आपका इन सभी गानों में से फेवरेट सॉन्ग कौन सा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर पहले पूरा वीडियो देख लो क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अमरीश पुरी की फीस के बारे में। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मेजर जनरल अजितेश खन्ना का रोल निभाया था जो कि किरण यानी प्रीति जंगियानी के ससुर रहते हैं। इस फिल्म में अमरीश पुरी जी का बहुत ही छोटा सा रोल था, फिर भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 2,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं किम शर्मा की फीस के बारे में। इस फिल्म में किम शर्मा ने संजना का रोल निभाया था। ये फिल्म किम शर्मा के डेब्यू फिल्म थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 3,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं शमिता शेट्टी की फीस के बारे में। इस फिल्म में शमिता शेट्टी ने इशिका धनराजगीर का रोल निभाया था और ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी। शमिता शेट्टी से पहले उनका रोल प्रियंका चोपड़ा को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। अगर फीस की बात करें तो शमिता शेट्टी को इस फिल्म के लिए करीब 3,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं प्रीति जंगियानी की फीस के बारे में। इस फिल्म में प्रीति जंगियानी ने किरण खन्ना का रोल निभाया था और ये फिल्म उनकी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 5,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं जिमी शेरगिल की फीस के बारे में। इस फिल्म में जिमी शेरगिल ने करण चौधरी का रोल निभाया था और ये फिल्म उनकी तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म से पहले उन्होंने माचिस और जहां तुम ले चलो फिल्मों में काम किया था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 9,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं जुगल हंसराज की फीस के बारे में। जुगल हंसराज ने इस फिल्म में समीर शर्मा का रोल निभाया था। उन्होंने अपना डेब्यू एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मासूम फिल्म से किया था जो सन 1983 में रिलीज हुई थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 12,00,000 की फीस मिली थी। अब जानते हैं अर्चना पूरन सिंह की फीस के बारे में। इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह ने प्रीतो का रोल निभाया था जो कि अनुपम खेर की लव इंटरेस्ट रहती है।
अगर फीस की बात करें तो उन्हें करीब 13 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं अनुपम खेर की फीस के बारे में। इस फिल्म अनुपम खेर ने काके का रोल निभाया था। इस फिल्म अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग भी की थी। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 17 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं ऐश्वर्या राय की फीस के बारे में। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने मेघा शंकर का रोल निभाया था, जो कि अमिताभ बच्चन की बेटी रहती है। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म में जान डाल दी थी। ऐश्वर्या राय से पहले उनका रोल रानी मुखर्जी को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। अगर फीस की बात करें तो ऐश्वर्या राय को इस फिल्म के लिए लगभग 28 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं अमिताभ बच्चन की फीस के बारे में। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नारायण शंकर का रोल निभाया था। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म थी। इस फिल्म से पहले उनकी सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होने लगी थी। बस उनकी बड़ी मियां छोटे मियां फिल्म ही एक हिट हो पाई थी, वो भी गोविंदा के कारण हिट हुई थी। मोहब्बते फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड मिला था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 2 करोड़ की फीस मिली थी। और अब अंत में जानते हैं शाहरुख खान की फीस के बारे में। इस फिल्म में शाहरुख खान ने राज आर्यन मल्होत्रा का रोल निभाया था। इस फिल्म को शाहरुख खान ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान ने बहुत ही शानदार एक्टिंग भी की थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अगर फीस की बात करें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ की फीस मिली थी। अब जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की फीस के बारे में। इस फिल्म में जतिन ललित ने बहुत ही शानदार म्यूजिक दिए थे। अगर फीस की बात करें तो उन्हें लगभग 50 लाख की फीस मिली थी। अब जानते हैं लिरिसिस्ट आनंद बख्शी की फीस के बारे में। इस फिल्म में उनके लिखे लिरिक्स सीधा दिल को छूते। अगर फीस की बात करें तो उन्हें करीब 60 लाख की फीस मिली थी। दोस्तों, मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है और मैंने इस फिल्म को अब तक 10 बार से भी ज्यादा देखा है। वैसे दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपने इस फिल्म को कितनी बार देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।